ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पब्लिक है, चौधरी साहब की जो आंखों में सांसू निकले है ना, अब जो रोने का नंबर सरकार का आया। ट्रैक्टर कल को महापंचायत मुजफ्फरनगर में है और मुजफ्फरनगर से महापंचायत के बाद मुजफ्फरनगर से कूच करेंगे। बाकी जिसके जो भी वाहन है आप लगातार देख रहे होंगे पिछले 1.5 घंटे में कितनी पब्लिक बढ़ गई। हम लोग भी 1 घंटे बाद पहुंचे और लगभग 25 फोन ऐसे हैं मेरठ से हों, जब हम लोगों ने यहाँ आकर लाइव चलाया भाई क्या हम आप पहुँच गए भाई, हम भी चल दिए। सब लोग चलते जा रहे हैं, सब लोग पहुँचते जा रहे हैं, इतनी पब्लिक यहाँ पे पहुँचेगी। और अब जब कोई भी किसान जाने का नाम का नहीं आ रहा, अब तक नुआ था कहने लगे भाई 3 दिन को हो जाऊँ, 4 दिन को हो जाऊँ, अब जब कोई किसान जाने का नाम का नहीं आया। रोहतक से हमारे साथ कम से कम 20 लोग आए हैं और वहाँ से ट्रैक्टर भी चल चुके हैं, अभी हम लोग गाड़ी से आए तो थोड़ा पहले पहुँच गए हैं और ट्रैक्टर भी अभी आ रहे हैं वहाँ से। 100-200 से ज़्यादा ट्रैक्टर वहाँ से चल चुके थे, 100 से 200 तक की तादाद में ज़्यादा वो हमारे सामने ही निकले थे, हम उनको पीछे छोड़ के हम लोग गाड़ी जाए तो पहले पहुँच गए हैं। और मीडिया के थ्रू हम तक मैसेज पहुँचा, आज मीडिया का काम बहुत सराहनीय काम है। आज की अगर मैं बात करूँ तो मीडिया ने बहुत अच्छा काम आज किया है और मीडिया के थ्रू काफी दिनों बाद समय रहते मीडिया ने आवाज उठाई, उसके लिए सभी किसान और सभी लोग मीडिया के धन्यवादी हैं जो किसान आंदोलन से अपना समर्थन रखते हैं। यहाँ जो आप जिस तरह से आए हैं उसका कारण उसका कारण है मतलब हिटलर साहित्य सरकार है, अत्याचार इतनी बुरी तरह हो रहा, हमें कुचला जा रहा, हमें दबाया जा सके पर हमें मिटाया नहीं जा सकता। इस तरह मिटा रहे मतलब जैसे बाहर देशों में हो ना, इस तरह का हमारे साथ हो रहा शरणार्थी है। जैसे CAA में हुआ, दंगा करा दिया, बाद में अपने पब्लिक लोग भेज दिए, आंदोलन हटा दिया, पर ये हमारा आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, ये शरीफ लोगों का, ये देश का आंदोलन है। इसमें कोई पेड लोग नहीं है कि बाहर से फंडिंग आ रही है, हम अब खुद जुड़ रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, बाहर जो भाई बाहर पैसे कमा रहे वो बाहर भेज पैसे भेज रहे हैं, रोटी पानी अपने सरदार भाइयों ने लगा रखी है, हमारा क्या लगा है? अपने मुजफ्फरनगर से आगे डीजल लगा दिया, क्या फर्क पड़ गया? अपनी जो है खेती बचा रहे हैं ना। अभी मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है, मैं हूँ मुकुंद और अभी आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे जो जनसंख्या कल जो थोड़ी तादाद कम होती हुई दिख रही थी, सुबह अचानक ही राकेश टिकैत की और भावुक अपील के बाद लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा से लोग बड़ी संख्या में आंदोलन स्थल पर वापस आ रहे हैं। और जो आंदोलन का जो ताकत आपको कल शाम तक ऐसा लग रहा था जो कुछ कमजोर पड़ने वाला, लेकिन उसकी मजबूती और लगातार बढ़ रही है। इसमें दो कारण, कल शाम तक पुलिस ऐसी कार्रवाई करती हुई दिख रही थी जिसे रात तक इस आंदोलन स्थलों को खाली करा लेगी, उसके बाद लेकिन अचानक BJP के स्थानीय विधायक और उसके कुछ उड़दंगी आए जिसके बाद इस आंदोलन ने एक नई करवट ली और बड़ी संख्या में नौजवान उससे आहत होकर यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने साफ किया वो इस आंदोलन स्थल को नहीं छोड़ेंगे जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, और साथ में ही उन्होंने आरोप लगाया कि राकेश टिकैत जिस तरह से बदतमीजी करने की कोशिश की है उसके खिलाफ नौजवानों में भारी गुस्सा है और पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश वेस्टर्न हरियाणा से किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। कल शाम को यहाँ पे जब हम पुलिस प्रशासन से हमारे लोग बात कर रहे थे, खासकर राकेश टिकैत जी, और कानूनी प्रक्रिया की बातें हो रही थी, तो उतने ही देर में देखने में आया, सुनने में आया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा कोई विधायक अपने समर्थकों के साथ आकर किसानों को अपमानित करने की भाषा बोल रहे थे, जो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का वाहक किसान और गाँव है, और किसानों को अपमानित करने की बात, यानी आप भारतीय संस्कृति को अपमानित करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विश्वास भारतीय संस्कृति में नहीं है, और ये वो कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जो संविधान और कानून से बड़े हो गए हैं? जब यहाँ पुलिस है, प्रशासन है, वो बात करेगा, उनकी बात सुनी जाए कि उनकी बात सुनी जाए? तो ये कौन लोग हैं जो सर्टिफिकेट बांटते जा रहे हैं दुनिया को कि ये कि राष्ट्रभक्त हैं ये लोग, राष्ट्रभक्ति का ये सर्टिफिकेट देंगे क्या? और 3 काले कानून सरकार को वापस लेना होगा, रिपील करना होगा, और MSP के गारंटी कानून बनाना होगा। और जो जिस तरीके से इन्होंने किसानों का अपमान किया
और लोगों का अपमान किया। आज देखो ये भावनाएं हैं, जमीन से जुड़ा हुआ आंदोलन है। जिस तरीके सरकार ने 26 जनवरी को अपने दीप सिंधु को भेजकर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, आज ये आंदोलन फिर उठ खड़ा हुआ है और था, ये मजबूती से था। आज फिर से जनमानस आ रहा है चारों तरफ से। जो 26 जनवरी मना कर वापस गए थे, उन्होंने सोचा कि कुछ दिन हम पुनः यहाँ पर वापस आ गए हैं। अब मौजूदा संख्या में देखो गाड़ियाँ रात के 2 बज रहे हैं, गाड़ियाँ आती जा रही हैं, और अभी कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। और सरकार का जवाब है हमें कुचल दो, हम नहीं दबनेंगे भाई। सरकार एक बार सुन लो, 100 बार सुन लो, हमें दबा दोगे पर हमें मिटा नहीं सकते। हम चौधरी साहब के अन्यायी हैं, हम उनकी बातों को मानने चलेंगे। हम बिल्कुल ना तो दबेंगे, हम मर जाएंगे। और जब चौधरी साहब को दबाने काम करा, आज लाखों पब्लिक सुबह देख लेगी, सरकार भी अपने आंखों में लाखों पब्लिक यहाँ सड़कों पर पावेगी, लेकिन हम बिल्कुल भी मिटने को तैयार हो जाएंगे। पर भाई बिल्कुल नहीं हटाई, वो बात मैं क्लियर कर दूँ सरकार से। एक एक बालक की आंखों में पानी है। अपने जितने वेस्ट यूपी के जिले हैं ना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, शामली, बिजनौर, कितना भी है, एक एक बालक राज मारा। अब चौधरी साहब के आंखों में पानी जाए, सही सरकार है। रोहतक में भी ये भाई हरियाणा के हैं। देखिए ये जिस तरह जो टिकैत साहब का एक एक आंसू, उनका एक एक आंसू इतिहास याद रखेगा, और ये इस सरकार के ताबूत में एक आखिरी कील साबित होगी। आगे हम सिर्फ शांतिपूर्वक टिकैत साहब कहेंगे वही आगे रहना चाहते हैं। हमें कोई ज्यादा इंसानी होना कोई वो नहीं, हम शांतिपूर्वक रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली पुलिस में या कोई वो उसमें मैक्सिमम हमारे ही घर से आ जाते हैं। हम जैसे दिल्ली में थे कल, ITO पे कुछ लोग गए हुए थे, तो वहाँ पे भी हमारे ब्रदर की ड्यूटी लगी हुई थी जो मासी के लड़के हैं, तो मतलब आपस में क्या लड़ देते हैं, सब राजनीति है। जवान भी हमारे हैं और किसान भी हमारे हैं, मतलब उधर से भी वो लोग भी हमारे हैं और हम भी किसान, वो उनका फर्ज है, वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, और हम किसान कौम में पैदा हुए हैं, तो हम अपनी भावना से जुड़ के अपना फर्ज अदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो ही अपना खून अपने खिलाफ ही लड़ रहा। जिस तरह से लोकल विधायक यहाँ आए और वो निरोल बदमाशी करी सरकार ने, फोन कर कह रहे हैं अब भाई 5-7-10-20 आदमी ले आओ और हम मीडिया को बुला लेंगे और तुम अपना तिरंगा, अरे हमारे से ज्यादा तिरंगा दिखा दोगे तुम, हर ट्रैक्टर पे 20-20 तिरंगे थे, कहाँ से तिरंगे लाए हम, है ये तिरंगे ये राष्ट्रवादी बनकर दिखा रहे हैं, ये 8 साल से इन्होंने अपने RSS से नाल होना, ये बोलने से नहीं, मारा खून मांग रहे, हम किसानों के बालक, हम बॉर्डर पर लड़े, हमारे भाई पुलिस में लड़ रहे, रोज तिरंगे भी लिपटका रहे, एक बालक सही दो रखा रहा, ये हमारे से मांग रहे हमारे राष्ट्रवादी होने का सबूत, सरदार भाई वहाँ सिख रेजिमेंट उनका खून था, गर्म खून था, सारे के सारे देश का पैसा लेकर भाग रहे हैं, कोई एक बता दो विजय माल्या को छोड़ के, है किसान यहाँ कमाते मर गए, पर इन पे फर्क नहीं पड़ता, ये रंगा बिल्ला बैठे दो मोदी और अमित शाह, कोई फर्क नहीं पड़ता इन पे, ये क्या है, कुछ भी आंदोलन खत्म करवाना हो अपने लोगों को बढ़वा दो, है और अपना दंगा करवा दो, डिवाइड रूल, अरे ये काले अंग्रेज है मेरे भाई, इनमें कुछ नहीं बन सकता इनका, बहुत बुरा हाल है इस देश का। जो एक एक आंसू आज टिकैत साहब का बहा है, वो आंसू पूरा इतिहास याद रखेगा और उसका हिसाब लेने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं।